अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी रेसिपी है बीफ निहारी, जो कि आप मटन के साथ भी बना सकते हैं विद होममेड निहारी मसाला। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम निहारी मसाला तैयार करेंगे। इस मसाले को आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं 4 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जायफल, 4 टीस्पून ज़ीरा, 3 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 2 इंच दालचीनी, 4 हरी इलायची, 2 काली इलायची और 4 लौंग। साथ में दूसरे स्पाइसेस ले रहे हैं, गरम मसाला 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, लाल दरम मिर्च 4 टीस्पून। अब हम इन सब गरम मसालों को एक पैन में डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। एटलीस्ट 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। स्पून को हम चलाते रहेंगे ताकि कोई चीज़ जल ना जाए। अब हम रोस्टेड मसाला को ग्राइंड करेंगे। अब हम इसे स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। दूसरे स्पाइसेस में जो लाल दरम मिर्च है उसको भी ग्राइंड कर लेंगे और फिर सब स्पाइसेस को एक जगह मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे उनको। यहाँ पे निहारी मसाला तैयार है। हम इस मसाले को 1 मंथ के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। निहारी के लिए ले रहे हैं हम लोग 800 ग्राम बीफ, साथ में जाएगा निहारी मसाला और यहाँ ले रहे हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक पॉट में हम 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उसे अच्छे से फ्राई करेंगे एटलीस्ट 2 मिनट के लिए ऑन मीडियम फ्लेम। जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो जाए उसमें हम बीफ ऐड करेंगे। बीफ को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक उसका पानी जो है अंदर से ड्राई हो जाए। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे बीफ को। यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून निहारी मसाला। मसाला डालने के बाद अच्छे से पकाएंगे बीफ को ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए। यहाँ हम ऐड कर रहे हैं 1.5 लीटर ऑफ वाटर। पानी डालने के बाद एटलीस्ट हम इसे 1-1.5 घंटा पकाएंगे ऑन मीडियम फ्लेम। जैसे निहारी को 30 टू 40 मिनट हो जाए यहाँ पे हम प्याज को फ्राई करेंगे, उनको गोल्डन ब्राउन करके निहारी में ऐड करेंगे। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए हम इसे निहारी में डाल देंगे और निहारी को मज़ीद 40 मिनट के लिए पकाएंगे। और साथ में ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून मैदे के और 1 टेबलस्पून ब्राउन आटा मींस चक्की फ्रेश आटा। फ्लावर को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एटलीस्ट 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हम फ्लावर को 1/2 कप पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि कोई लंप ना रहे अंदर। यहाँ पे हम फ्लावर के लिक्विड को निहारी में डाल देंगे और इसे अच्छे से स्टर करेंगे। साथ ही उसमें ऐड कर देंगे 2 ग्रीन चिली। निहारी को 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। 15 से 10 मिनट में ही निहारी थिक हो जाएगी अच्छे से। जैसे कि आप देख सकते हैं निहारी अच्छे से थिक हो चुकी हुई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। निहारी की गार्निशिंग करेंगे हरी मिर्च, धनिया, अदरक, फ्राइड ब्राउन अनियन से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ट्राई कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।